दो दिवसीय भारत यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 7 अजूबों में से एक ताजमहल का दीदार करने ताजनगरी जाएंगे। ताजनगरी इनके स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, बेटी इवांका ट्रंप और दामाद जेरेड कुशनर के अलावा शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों समेत उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम के बाद ट्रंप ताजनगरी पहुंचेंगे। यहां आपको जानकर हैरानी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के पास भी ताजमहल था। जी हाँ, ये सच है। अमेरिका के न्यूजर्सी राज्य के अटलांटिक सिटी में हार्ड रॉक होटल एंड कसिनो अटलांटिक सिटी नाम का एक कसिनो और होटल है। इस होटल को ट्रंप ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका के सबसे मशहूर कैसीनो में शामिल इस कैसीनो को 100 करोड़ डॉलर की लागत से साल 1990 में बनाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस कैसीनो का इनॉग्रेशन भी डोनाल्ड ट्रंप ने ही किया था। करीब 24 साल तक ट्रंप की कंपनी ने इस कैसीनो की सफलता के साथ चलाया, लेकिन 2014 में कई फाइनेंशियल दिक्कतें सामने आना शुरू हो गई। 2016 में बंद हुए इस कैसीनो को 1 मार्च 2017 को सेमिनोल ट्राइब ऑफ फ्लोरिडा ने हार्ड रॉक इंटरनेशनल ब्रांड के अंतर्गत दोबारा शुरू किया। हालांकि पहले खबर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताजमहल का दीदार करने जाएंगे, लेकिन अब पीएमओ ने इसके लिए मना कर दिया है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.